Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. First of all, background ka decor dekh ke aapko lag hi raha hoga ki this is a birthday month special. So I haven't done a favorites video for a while and I wanted to do a special birthday month favorites video this year. And this birthday is kind of special as well because I'm turning 30. Yes guys, I'm turning 30. Kind of nervous, kind of excited also about turning 30. I mean, all my 20s are gone. 30s are about to begin. Let's hope sab kuch acha acha ho future. Anyway, so this June was kind of a roller coaster ride. My vlogging camera Canon G7X Mark II was stolen. Uske regarding maine vlog post kar diya, puri story explain kar di, click the I button and go watch it. I also went to Bhubaneswar after 5 years. I met my granny after 5 years. So yeah, a lot many things happened. So in today's video, there is also a giveaway in the end wherein I'll be picking two winners. Kya giveaway prize de rahi hu aur kya rules hai aapko video ke end mein dikhega. For today's video, I have categories like makeup, skincare, fashion and some miscellaneous items. Okay, makeup category. में पहला आइटम मेरे पास है मस्कारा. दिस इज बाय लॉरियल. दिस इज देयर इजी वाटरप्रूफ एयर वॉल्यूम मेगा मस्कारा. इतना खूबसूरत लगता है ना मुझे इसका फॉर्मूला. तो करीबन 2 महीने से मैं इसे यूज कर रही हूँ. जून के महीने में मैंने इसे यूज करना शुरू किया था और जो भी मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, वेदर इट्स लाइक अ पार्टी लुक और एवरीडे मेकअप लुक, आई ऑलवेज अप्रोच फॉर दिस मस्कारा. सो इसके वॉर्म ब्रिसल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ वॉल्यूम और आपके आई लैशेस हैवी नहीं लगते हैं. जब ये मस्कारा नया नया होता है ना, तो आपको 2-3 कोट में ही काम हो जाता है, बट इट्स लाइक सेमी ड्राई नाउ. सो मुझे थोड़े 2 कोट से ज्यादा लगता है आजकल. एनीवे, आई लाइक माय मस्कारा टू बी लाइक सेमी ड्राई. 2 चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे इस मस्कारा के फॉर्मूला के बारे में. एक तो ये मस्कारा वाटरप्रूफ है ही, इसको निकालना काफी ज्यादा इजी है. यू नो, इट जस्ट पील्स ऑफ लाइक अ फेविकोल, बहुत इजिली निकल जाता है. दूसरी चीज, अंडर आई लैशेस पे ये मस्कारा बहुत अच्छे से बैठता है. इट डजंट ट्रांसफर नियर माई अंडर आई एरिया. यू नो, कुछ कुछ मस्कारा होते हैं दे जस्ट टर्न यू ब्लैक अंडर आई पे जब आप बहुत लंबे समय तक पहनोगे, बट ये बिल्कुल नहीं करता. ऐसा प्राइस इज 999 रुपीज, विच आई नो इज अ प्राइसी फॉर अ मस्कारा, बट अगर ये डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाए ना, तो जरूर खरीदना और ट्राई करके देखना. इफ यू आर अ मस्कारा लवर, यू आर गोना लव दिस मस्कारा. नेक्स्ट आई हैव लिप एंड चीक टिंट. दिस इज बाय फेस शॉप एंड दिस इन द शेड 05 चेरी किस. मुझे लगा नहीं था कि मुझे इसका फॉर्मूला इतना पसंद आएगा. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी द हाइप, क्या हाइप है. दैट्स द रीजन आई बॉट इट एंड आई एंडेड अप यूजिंग दिस इन ऑल माई एवरीडे मेकअप लुक्स. यू नो, इनफैक्ट अभी भी मैंने इसे पहन के रखा हुआ अंडर नीड दिस मेकअप दैट आई एम वेयरिंग. सो इट हैज अ वॉटरी जेली लाइक टेक्सचर. It blends so quickly and it just stains like crazy. You know, अभी भी मेरे fingers stain है इसकी वजह से, क्योंकि मैंने हाथों की मदद से blend किया था. Without makeup, it provides very subtle glow to the skin. ऐसा लगता है कि आपकी skin within glow कर रही है. अभी तो मेरी skin में थोड़े acne marks है ना, इसकी वजह से वो acne marks को enhance कर रही है, which I don't really mind you guys. But underneath makeup पे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है. What I like to do, I just like to apply this as my base. उसके ऊपर मैं foundation blend करना पसंद करती हूँ और ऐसा लगता है कि आपकी skin within glow कर रही है. काफी ज्यादा ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ मैं इसे. अंडर 500 रुपीज में ये आ ही जाता है. जस्ट मेक श्योर कि ना लगाने के बाद आप तुरंत इसे ब्लेंड कर लो, अदरवाइज अगर आप ऐसे डॉट डॉट लगा के छोड़ दोगे ना, तो वहीं पे डॉट डॉट मार्क रह जाएगा और उसे ब्लेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो तुरंत ब्लेंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस फॉर्मूला के साथ. नेक्स्ट आई हैव अ फेस प्राइमर. दिस इज एल्फ टोन एडजस्टिंग फेस प्राइमर ब्राइटनिंग लैवेंडर. सो आपको पता ही होगा कि आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, सो माई टी जोन इज ऑन द ऑयलियर साइड. यूजली एवरीडे मेकअप लुक में मैं प्राइमर अवॉइड करती हूँ, बट अभी मैं भुवनेश्वर गई ना एंड वहां पे वेदर बहुत ह्यूमिड रहता है. अगर आप अपने बेस के अंडरनीथ प्राइमर अप्लाई नहीं करोगे ना, स्पेशली फॉर स्किन टाइप लाइक मी, योर मेकअप इज गोना मेल्ट अवे. नो मैटर अगर आप थोड़ा सा भी फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करोगे, मेकअप इज गोना मेल्ट अवे. सो आई थॉट ऑफ लाइक जस्ट कीपिंग इट फॉर दैट वेदर, ह्यूमिड वेदर, एंड आई एंडेड अप यूजिंग इट अ लॉट. सो इट हैज लाइक सिलिकॉन काइंड ऑफ अ टेक्सचर, उसकी वजह से ये मैटिफाइंग फिनिश देता है और ब्लर कर देता है आपके टी जोन एरिया को, जरा सा पोर को फिल कर देता है. मेकअप अच्छे से बैठता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और ऑयली नहीं होता है जल्दी आपके स्किन पे. नेक्स्ट आई हैव कॉम्पैक्ट पाउडर बाय नायका. दिस इज देयर ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर, आइदर शेड 04 सैंड एंड 05 ऑलिव विथ मी. सो ऑलिव इज काइंड ऑफ डार्कर फॉर मी, लाइक 1 शेड डार्कर एंड सैंड इज 2 शेड्स लाइटर. सो आई लाइक टू मिक्स देम टुगेदर टू गेट माई ओन शेड. अगर मुझे हाईलाइट करना होता है ना सिर्फ अंडर आई में, तो कभी कभार मैं सैंड भी अप्लाई कर देती हूँ. एनीवे गाइस, गेस व्हाट, मैंने ना कॉम्पैक्ट पाउडर ऑलिव गिरा दिया था एंड इट्स लाइक कंप्लीटली ब्रोकन, बट आई बीन ट्राइंग टू लाइक फिनिश इट एंड यूज इट जो भी बचा कुचा इसमें है. उसके बाद आई एम गोना परचेज अ न्यू वन फॉर श्योर, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही शानदार है इसका. जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा स्किन टाइप इज कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, सो टी जोन को मुझे ना सेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ऐसा कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर अप्लाई करना पसंद है मुझे कि जो कि मैटिफाई कर दे वो वाले एरिया को और लॉन्ग लास्टिंग रहे मेरे फेस पे. यू नो, मेरा स्किन इतनी जल्दी ऑयली ना हो, और ये वैसा ही फॉर्मूला है. बहुत ही अच्छे से ऑयल को ये अब्सॉर्ब करता है, मैटिफाई रखता है टी जोन को, अंडर आई पे बहुत ही खूबसूरत लगता है ये फॉर्मूला और काफी
अफोर्डेबल भी है कॉम्पैक्ट पाउडर. लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स, एवरीवन्स फेवरेट कैटेगरी. आई डू हैव अ लिप कॉम्बो टू टॉक अबाउट एंड अ लिपस्टिक टू टॉक अबाउट. वन ऑफ माय फेवरेट कॉम्बो दैट हैव बीन लविंग एंड यूजिंग अ लॉट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू, लिप लाइनर एंड लिपस्टिक, एंड उसके ऊपर दिस ग्लॉस. सो दिस इज वेटन बाय लिप लाइनर इन द शेड चेस्टनट. यू नो ये लिप लाइनर यू कैन पेयर दिस विद सो मेनी डिफरेंट लिपस्टिक्स. ये लिप लाइनर अप्लाई कर दो, सेंटर पे आप कोई भी न्यूड कलर, पिंक न्यूड, ब्राउन न्यूड अप्लाई कर लो और आपको एक खूबसूरत सा ओम्ब्रे इफेक्ट देता है. स्पेशली इफ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स ना, बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छे से कॉन्टोर करता है ये वाला लिप लाइनर. ये लिप लाइनर एज इट इज मुझे पहनना भी पसंद है, बट मैं मोस्टली इससे ना दूसरे लिपस्टिक के कॉम्बिनेशन के साथ पहनती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया. और वो लिपस्टिक का कॉम्बिनेशन जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है लेटली इज दिस टू. सो दिस इज नॉट अ न्यूड कलर, इसी की वजह से ये कलर मैंने टॉप 7 न्यूड लिपस्टिक में इंक्लूड नहीं किया था, जो कि मैंने अभी अभी रिसेंटली पोस्ट किया. अगर आपने नहीं देखा ना, प्लीज जाके देख लो, वो वीडियो भी बहुत अच्छा है. सो दिस इज Mamaearth Naturally Matte Lip Serum and this in the shade 03 Benedict Magenta. ये lip liner apply किया, उसके बाद center पे ये lipstick apply किया, fingers की मदद से blend किया, उसके बाद wait किया for at least like 30 seconds. उसके ऊपर I'm gonna apply this lip lacquer. This lip lacquer is by Elf and this in the shade Clear. ये हमेशा out of stock रहता था Nykaa में और मुझे recently ये दिख गया in stock and I bought 3 of this. मुझे इतना ज़्यादा पसंद है इसका formula. It just provides right amount of gloss to your lips and shine to your lips. आपके lips heavy नहीं लगते, sticky नहीं लगते और थोड़े से प्लम्प भी दिखते हैं ना लिप ग्लॉस अप्लाई करने के बाद. सो इन तीनों का कॉम्बो ही बोलेंगे ना, मुझे काफी ज्यादा पसंद है. नेक्स्ट लिपस्टिक इज अ कूल टोन रेड एंड दिस इज बाय द ब्रांड सिंपली नैम एंड दिस इज इन द शेड पूनम कूल रेड. ओके, इसमें आता है डो फुट एप्लीकेटर एंड दिस इज अ अल्ट्रा मैट लिपस्टिक, विच मीन्स यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपने लिप्स को अच्छे से स्क्रब और हाइड्रेट किया, अदरवाइज दिस कैन सक द लाइफ फ्रॉम योर लिप्स. सो यू गेट लाइक 6 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्राइस इज 1200 rupees. बहुत रेयरली ये डिस्काउंट में जाता है. I must say कि 6 ml for like 1200 is not a lot. I wish कि वो प्राइस कम कर देते, 6 ml ही रखते या फिर 6 ml से ज्यादा देते for 1200. Anyway, if I will talk about the color, इतना सुंदर लगता है ना ये कलर, स्पेशली फॉर लाइक डीपर डस्टी स्किन टोन, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये. जस्ट ब्राइटन्स द एंटायर मेकअप लुक. ऑल्सो रेड मेक्स योर टीथ लुक white. That's something that I really like about red colors. So those are all the makeup items. Moving on to skincare products that I've completely fallen in love with and used a lot. First up, I have a combo of vitamin C range. They both are by the brand Dr. Shade. This is a face wash and this is their vitamin C serum. मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में recently बात किया था कुछ एक महीने पहले. I've used this a lot and now this vitamin C range has a face wash as well. So vitamin C का काम क्या होता है? This helps to like brighten your skin. It targets dark spots, scars एंड पिगमेंटेशन. सो पिंपल तो अब मुझे इतने एक्सेस अमाउंट में हो नहीं रहे हैं, भुवनेश्वर में काफी हो रहे थे, बट अभी एक्ने स्कार्स और मार्क्स काफी हैं और मुझे हाइपर पिगमेंटेशन भी है अराउंड माई लिप्स स्पेशली. सो आई लाइक टू यूज वाइटामिन सी वंस अ डे, स्पेशली डे टाइम पे. सो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ फेस वॉश टू वॉश माई फेस. सो दिस इज डॉक्टर शेड आमला एंड वाइटामिन सी फेस वॉश. दिस मीन 2% वाइटामिन सी, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, आमला एक्सट्रैक्ट एंड रोसिप एक्सट्रैक्ट इन इट. सो आई विल जस्ट स्क्वीज सम अमाउंट ऑफ दिस फेस वॉश ऑन माई पाम एंड इमल्सिफाइड. उसके बाद आई विल अप्लाई दैट over my face. So it has 2% vitamin C in it, which is the highest concentration of vitamin C that you will find in a face wash. It helps to boost collagen production. It contains amla. This is the most potent natural source of vitamin C. It has turmeric in it, which helps to fight acne marks. It's a very gentle and good cleanser, you guys. It just helps to prep your skin for the next step. So face ko dhone ke baad, I like to pat dry my skin and then I like to apply toner on my face and then moving on to like treatment products. Aapko pata hi hoga ki vitamin C ko leke mera skin hai na bahut sensitive hai. So sare brand ke vitamin C मुझे सूट नहीं करते. आई एम एक्सट्रीमली पिकी विद विटामिन सी एंड दिस इज द ब्रांड दैट हैज सूटेड मी अ लॉट. और मुझे विटामिन सी की सबसे अच्छी खासियत ये लगती है कि इट जस्ट हेल्प्स टू ब्राइटन योर एंटायर स्किन. आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखता ही है. सो दिस इज डॉक्टर शेड्स आमला 20% विटामिन सी फेस सीरम. सो दिस वन इज 20% थ्रियो इथाइल एब्सॉर्बिक एसिड एंड 8.5% फेलोरिक एसिड, 1% विटामिन ई, आमला एक्सट्रैक्ट एंड स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट इन इट. सो दिस इज द ओल्डर पैकेजिंग एंड फॉर्मूला व्हिच आई वाज ऑलरेडी यूजिंग. आई फिनिश्ड टिल हियर. आई थिंक वन मोर यूज and I'll be done with this, जो कि मैं यूज़ करके खत्म कर दूंगी. बट आई ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग देयर न्यू पैकेजिंग एंड फॉर्मूला विच आई बी अप्लाइंग ऑन माई फेस. सो आई लाइक टू टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस ऑन माई पाम लाइक दैट
and then like massage it, spread it evenly and pat it into my skin. So it has ethyl absorbic acid in it, which is a derivative of vitamin C. It helps to reduce hyperpigmentation and evens out the skin. Your skin ke deep layer mein jaake stubborn dark spots and scars or discoloration ko reduce karne mein madad karta hai. Jaise ki main aapko bataya, it also has vitamin E. So vitamin E in conjunction with vitamin C helps to brighten and reduce hyperpigmentation, which makes your skin like supple and glowing. And phenolic acid in it, in combination of vitamin C and E, helps to fight free radicals and the damages caused by free radicals like wrinkles, dark spots, brown spots and premature aging. So this is an excellent and powerful antioxidant and anti-aging product. And amla extract in it is the most concentrated form and natural source of vitamin C. It helps to boost collagen production into the skin, that in turn provides like a very glowing and supple looking skin. So it's like an all-rounder product. Ye cell renewal or cell turnover mein kafi zyada madad karta hai. Iski wajah se aapki skin brighter aur glowing nazar aati hai jab aap vitamin C apply karte ho. Ye dullness ko bhi fight karne mein kafi zyada madad karta hai. So I have 20% vitamin C. They also have 10% amla vitamin C face serum. Aap chaho तो 10% से शुरुआत कर सकते हो. Once your skin will get used to it, you can switch to 20% vitamin C face serum. बस यही कि vitamin C apply करने के बाद you have to make sure that you have applied sunscreen on your face. I do have a coupon code for Dr. Shade's website, that is ShaliniM20. If you will use my coupon code on their website, you will get 20% off on your purchases. So if you're interested in this product, I will be providing links for them in the description box below. So check them out. Next product that I've used a lot for the past 2 months, July और June में मैंने काफी ज़्यादा use किया एंड आई हैव रेव्ड अबाउट दिस अ लॉट. दीज आर पिंपल पैचेस बाय द ब्रांड डर्माको. दीज आर देयर 2% सैलिसिलिक एसिड पिंपल पैच. बहुत ही अच्छे से ही काम करता है, यू नो, एक्टिव एक्ने और पिंपल पे. रिसेंटली भुवनेश्वर गई थी, वहां पे ना माय एक्ने गॉट ट्रिगर्ड लाइक क्रेजी. क्योंकि पहली चीज तो ये आई वाज स्ट्रेसिंग अ लॉट बिकॉज समवन स्टोल माय ब्लॉगिंग कैमरा. उसके बाद चेंज ऑफ वेदर, क्लाइमेट, ह्यूमिड वेदर भी हो रहा था वहां पे, चेंज ऑफ पानी. सो उसकी वजह से भी माय एक्ने ट्रिगर्ड. आई वाज गेटिंग वन एक्ने, उसके आसपास लाइक 4 एक्ने एंड आई वाज मिसिंग माय पिंपल पैच. क्योंकि मैं बैकअप ले जाना भूल गई थी और मेरे पास जो भी पिंपल पैच बचा हुआ था, लाइक 3-4 बचे थे, वो यूज ऑलरेडी मैं कर चुकी थी. सो ऐसे 2 के पत्तों में आता है. सो ये काम कैसे करता है, व्हेन यू सी लाइक एक्टिव एक्ने और एक्ने जहाँ पे रेडनेस है, वहाँ पे बम बन चुका है, यहाँ पे वहाँ पे व्हाइट हेड आ चुका है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर यू हैव क्लेंस योर फेस लाइक वेरी जेंटली. और जहाँ जहाँ आपको एक्टिव एक्ने दिख रहे हैं वहाँ पे इसे अप्लाई कर दो. एंड विद इन 7 to 8 आवर्स आप नोटिस करोगे कि एक्ने छोटा हो चुका है, रेडनेस कम हो चुका है, या फिर अगर उसमें पर्स फॉर्मेशन था ना तो वो भी निकल चुका है, वो पिंपल पैच में ट्रांसफर हो चुका है. एंड देन यू कैन अप्लाई अ न्यू पिंपल पैच. इट हेल्प्स टू काम डाउन द एक्ने, इट हेल्प्स टू किल्स द बैक्टीरिया. सो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद है. आई हैव लाइक बैकअप ऑफ बैकअप नाउ. जब तक जीवन में एक्ने की प्रॉब्लम है तब तक ये प्रोडक्ट है मेरे साथ, आप लोग समझ लो. नेक्स्ट आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. दिस इज अ प्री एंड पोस्ट फेशियल शेविंग बाम. दिस इज बाय द ब्रांड कार्मेसी. दिस वन हैज एलोवेरा, कुकम्बर एंड नीम इन इट. तो आप लोग को पता ही होगा दैट आई डू गेट लॉट ऑफ फेशियल हेयर, बट अभी मैं लेजर ट्रीटमेंट करा रही हूँ. अभी 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं. तो जहां जहां मुझे बाल दिखते हैं ना, जैसे जॉ लाइन पे अभी भी आ रहे हैं, चिन पे भी अभी भी आ रहे हैं, अभी टाइम लगेगा लेजर ट्रीटमेंट को खत्म होने में, तो जहां जहां बाल दिखते हैं वहां पर मुझे ना शेव करना अच्छा लगता है. सो आई हैव बीन यूजिंग दिस बाम इंस्टेड ऑफ माई एलोवेरा. लाइक एलोवेरा ऑल्सो वर्क्स वेल, गुड क्वालिटी एलोवेरा आप यूज करो. सो अभी क्लिप में आप लोग देख सकते हो कि आई एम डूइंग माई आईब्रोज. सो मैंने इसे प्री शेविंग बाम जैसा यूज किया है और आप लोग देख सकते हो कि देर इज नो रेडनेस अराउंड माई आईब्रोज, यू नो, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली रियली ट्रूली लाइक्ड अबाउट दिस. इट जस्ट हेल्प्स टू काम डाउन माई स्किन. आई ऑल्सो लाइक टू यूज दिस अंडर माई आर्म्स. अगर मैं अंडर आर्म्स को शेव कर रही हूँ ना, तो पोस्ट केयर रूटीन में आई विल जस्ट यूज दिस एंड अप्लाई दैट अंडर माई आर्म्स. इट जस्ट प्रोवाइड्स अ कूलिंग एंड सूदिंग इफेक्ट टू माई स्किन. नेक्स्ट आई हैव अ हीट प्रोटेक्टेंट. दिस इज बाय बी ब्रांड हॉट शॉट हीट प्रोटेक्टेंट हेयर मिस्ट फॉर ऑल हेयर टाइप विद प्रो विटामिन B5 एंड ग्रेप सीड ऑयल. सो मेरे बाल रेनी सीजन में सूखते ही नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं. तो सम डेज आई विल जस्ट एयर ड्राई माई हेयर एंड सम डेज इफ आई मीन हरी आई लाइक टू ब्लो ड्राई माई हेयर. सो जो हेयर सीरम मैं यूज कर रही हूँ दैट एक्ट्स लाइक अ हीट प्रोटेक्टेंट, बट जस्ट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा हीट प्रोटेक्शन टू माई हेयर आई लाइक टू गो ऑन विद दिस प्रोडक्ट. नेवर यूज हीटिंग टूल विदाउट एनी हीट प्रोटेक्शन यू गाइज. अगर आपके सीरम में है वो यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो अलग से ऐसा हीट प्रोटेक्टेंट भी ले सकते हो. इट वर्क, इट डज इट्स जॉब, it provides extra shine, it doesn't weigh down my hair or makes my hair oily or chip-chip, which I really like about the formula. Okay, moving on to fashion category, I'm gonna start off with Dainty waterproof gold jewelries that I've completely fallen in love with. So आपको पता है मेरी स्किन ऐसी है ना कि अगर मैं Dainty ज्वेलरी लो क्वालिटी का खरीदूँ पहनूँ तो बहुत जल्दी वो टार्निश हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है. सो दिस टाइम थोड़ा रिसर्च करके मैंने अच्छे क्वालिटी के ज्वेलरी खरीदे हैं. सो दिस इज बाय द ब्रांड एलेनॉर ज्वेल्स एंड दिस इज देयर हार्ट शेप का नेकलेस. सो इसका नाम है हेजल नेकलेस. ऑलराइट, सो इसमें पेंडेंट आता है जो कि हार्ट शेप का है जैसे कि मैंने आपको बताया, और एक चेन
आता है इसमें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि दिस इज लाइक रियल गोल्ड, दीज आर लाइक डेली वेयर ज्वेलरी। आप इसे पहन के सो जाओ, नहा लो, पसीना पसीना हो जाओ, ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। बहुत ईजी है इसे मेंटेन करना। द प्राइस ऑफ दिस वन इज 1299 rupees। मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही खरीदा, विच आई नो सम ऑफ यू विल फाइंड प्राइसी, बट मैंने 700 rupees के डेंटी ज्वेलरी भी ऐसे खरीदे हैं जो कि टार्निश हो गए। मैं पहन के उसे भूल गई, नहाने चली गई एंड दे जस्ट स्टार्टेड फेडिंग अवे। सो दिस टाइम आई थॉट ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग ऑन ज्वेलरी जो कि मैं यू नो सालों साल पहन सकूं। एंड नाउ आई हैव अनदर ब्रांड इनाया एसेसरीज। फर्स्ट वन आई हैव दिस 18K गोल्ड प्लेटेड रेनबो राइनस्टोन नेकलेस, इसका नाम है सारा एंड द प्राइस ऑफ दिस इज 1520 rupees, बट अभी वो डिस्काउंटेड प्राइस में मुझे दिख रहा है उनकी वेबसाइट में 1450 का भी दिख रहा है। ये अगेन वाटरप्रूफ है, एंटी टार्निश है, डेली वेयर में भी आप पहन सकते हो, डिफरेंट आउटफिट के साथ चला जाएगा, काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इट जस्ट मेक्स यू लुक वेरी एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। एंड द नेक्स्ट नेकलेस फ्रॉम इनाया एसेसरीज इज द वन दैट आई एम वेयरिंग करेंटली। दिस इज देयर 18K गोल्ड प्लेटेड सन नेकलेस एंड दिस इज कॉल्ड क्लारा। आप इस नेकलेस को कितने डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इसे ब्लेजर में पहना हुआ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अगेन यू नो जब मैं ऐसे लूज टी शर्ट्स पहनते हो, सो आई लाइक टू लाइक एसेसराइज दोस लूज टी शर्ट्स विद दिस काइंड ऑफ नेकलेस, क्योंकि ये लॉन्ग है। एंड द लास्ट इयरिंग्स आर दिस हुप्स, दीज आर कॉल्ड डर्जी ड्रॉप इयरिंग्स बाय इनाया एसेसरीज। तो इन हुप के साथ ऐसे ड्रॉप्स आए थे और ये ड्रॉप्स 3-4 कलर में अवेलेबल थे। आई ऑप्टेड फॉर द येलो वन बिकॉज आई थॉट येलो कैन गो विद लाइक डिफरेंट आउटफिट्स। सो आप इसे दो तरीके से स्टाइल कर सकते हो। अगर आप ये ड्रॉप्स को निकाल दोगे तो एज अ हुप भी इसे पहन सकते हो। इसका जो कलर है ना, इट्स लाइक अ एंटिक गोल्ड कलर, इट इज नॉट लाइक अ गोल्ड गोल्ड कलर, बट ये फिर भी फेड नहीं होता है। ये कलर ऐसा का ऐसा ही लगता है और काफी ज्यादा सुंदर लगता है। यू गाइस, आई हैव स्टाइल्ड दिस अ लॉट इन सो मेनी डिफरेंट वेज ऑलरेडी एंड ये बहुत लाइट वेट भी लगता है आपके कानों में। सो द प्राइस ऑफ दिस इज 1299 rupees और 1250 अभी दिख रहा है मुझे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में। आई हैव टू टी शर्ट्स टू टॉक अबाउट। ये दोनों इस ब्रांड के हैं, डिलिंगर, एंड ये मैंने आजियो से खरीदा था काफी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में। सो दीज आर लाइक लूज टी शर्ट्स। आप बैगी जीन्स के ऊपर लूज टी शर्ट स्टाइल कर सकते हो या फिर ऐसे पेंसिल जीन्स के ऊपर भी लूज टी शर्ट स्टाइल कर सकते हो, काफी अच्छा लगता है। अगर आपको और क्लीन गर्ल लुक चाहिए ना, यू नो डेंटी ज्वेलरी डाल लो, लो बन स्लीक बन कर लो एंड वन बैग and you're good to go. Anyway, talking about this t-shirt more, it's a black solid t-shirt. It's loose on me as I told you. It says trust the universe aur piche iska bahut hi sundar print diya gaya hai. Piche wala print dekh ke hi maine ise liya tha. I just like to wear this t-shirt aur piche se tuck in kar leti hu main acche se apne jeans pe ya pants pe and samne se ye loose effect deta hai. Bahut hi zyada acha aur smart look deta hai. And the next t-shirt is a tie dye print. Aapko ye pata hi hoga ki mujhe tie dye print bahut zyada pasand hai. So it says original in here. Yahan pe black mein kapda aur material kafi zyada acha hai iska. Mujhe lag raha hai iska ek size small भी लेती ना तो भी हो जाता मुझे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है इसका कपड़ा मटेरियल एज कम्पेयर टू दिस वन, दिस ब्लैक वन। बट एनीवे इट्स फाइन गाइस, आई रियली लाइक इट एंड जैसे मैंने आपको बताया आप कैसे स्टाइल कर सकते हो उसे। नेक्स्ट आई हैव क्लियर हील्स, दीज आर बाय H&M। क्लियर हील्स आर लाइक स्टेपल पीसेस दैट यू कैन ओन इन योर वार्डरोब। काफी डिफरेंट तरीके से आप उसे स्टाइल कर सकते हो। मैं काफी समय से अच्छे क्वालिटी का ढूंढ रही थी जिसका हील भी ज्यादा ना हो और मुझे पहनने में और चलने में दिक्कत ना हो। सो बहुत अच्छा लगा मुझे इसका क्वालिटी। काफी बार मैं इसे पहन भी चुकी हूँ, बहुत डर्टी है। So my size is €40 in this. नेक्स्ट आई हैव दिस लैपटॉप बैग, दिस इज बाय द ब्रांड ज़ोक। ये मैंने मिंत्रा से लिया था, काफी टाइम से आई वाज आइंग ऑन अ गुड क्वालिटी स्टडी लैपटॉप बैग। आप इसे लैपटॉप बैग की तरह भी यूज कर सकते हो या फिर रेगुलर हैंड बैग की तरह भी यूज कर सकते हो। दे हैड लाइक डिफरेंट प्रिंट बट आई ऑप्टेड फॉर अ वेरी सटल सोफिस्टिकेटेड कलर जो कि डिफरेंट आउटफिट के साथ चल जाए। यू नो ब्राउन ब्लैक चल जाते हैं डिफरेंट आउटफिट के साथ। बाहर से ना ऐसे जूट मटेरियल का है ये, बट अंदर से पूरा का पूरा वाटर प्रूफ है ये। सो दे हैव टू कंपार्टमेंट इन दिस, वन इज फॉर द लैपटॉप एंड मेरा 16 inch का मैक का लैपटॉप है। काफी आराम से इस पे आ जाता है एंड छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिए गए हैं ताकि आप छोटे मोटे एसेसरीज रख सको आपके लैपटॉप के, जो कि मैं रख लेती हूँ। यस, इट्स वेरी स्पेशियस एंड इट्स अ वेरी स्टेडी बैग, आई लव दिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ वॉलेट एंड दिस इज बाय बैगेट। बहुत टाइम से मैं एक छोटा सा कॉम्पैक्ट वॉलेट ढूंढ रही थी जो कि मेरे सारे बैग्स में आ जाए। यू नो बड़े वॉलेट के साथ क्या होता है, आप छोटे स्लिंग बैग लेके जाओगे ना उसमें वो आ नहीं पाते, पर ये वाला वॉलेट अच्छे से छोटे से स्लिंग बैग में भी आ जाता है। सो इट्स अ 3-fold वॉलेट। यहाँ पे आप अपने कार्ड्स रख सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे सब अंदर घुसा दिया है ताकि आपको मेरे कार्ड्स ना दिखे। यहाँ पे आप चाहो तो अपनी फैमिली की फोटो रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप पैसे रख सकते हो जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बिल्स ही बिल्स है मेरे पास इस वक्त। एंड पीछे भी एक चेन है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा ताकि मैं कॉइन्स वगैरह रख सकूं। मम्मी कहती है कि कभी वॉलेट खाली नहीं रखना चाहिए, तो आई हैव 1 rupee पीछे। एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी एज वेल, बहुत अच्छे से स्टिच हुआ है ये। माय सिस्टर आल्सो ओन्स द सेम वॉलेट बट इन डिफरेंट कलर। नाउ आई हैव फूड कैटेगरी। मैं यूजुअली इस कैटेगरी के बारे में ज्यादा बात नहीं
करती हूँ क्योंकि मेरे फूड हैबिट्स आर वेरी सिमिलर. आई मीन मैं डेली एक तरीके का खाना पसंद करती हूँ. बट भुवनेश्वर गई थी मैं अभी, उड़ीसा गई थी, और वहाँ पे छेना पोड़ो इज़ लाइक अ स्टेपल फूड. बहुत ही टेस्टी लगता है वो, बहुत ही अच्छा होता है. इट इज हाई ऑन कैलोरी. सो पनीर शुगर को ऐड करके दे बेक इट इन हाई हीट एंड दैट्स हाउ छेना पोड़ो बनता है. शुगर फ्री वर्जन भी आता है, मैंने दोनों वर्जन खाए हैं. मेरे गाँव के पास बस्ता में बहुत अच्छा छेना पोड़ो मिलता है गाइस. मैंने इतना खाया है ना, इतना खाया है कि माय जिम ट्रेनर इज गोना नॉट लाइक इट इफ आई विल टेल हिम कि कितना खाया है. मूवी जो मैंने देखी रिसेंटली फिर से इज स्वदेश. एंड व्हाट अ आयरनी, मैं अभी अभी अपने गांव वापस गई तो बिल्कुल वैसा वाला मुझे फील आ रहा था. मुझे वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है. इट्स अ वेरी अंडररेटेड मूवी. और म्यूजिक कैटेगरी में मैंने बहुत सारे गाने सुने, बट एक गाना जो मैं बहुत गुनगुनाती हूँ, मैंने इंस्टा स्टोरी पे भी बहुत यूज़ किया है इस गाने को. गाने का नाम है टूटा पुल वहां बाय दीपक राठौर. बहुत ही खूबसूरत गाना है ये. इसका एक पैरा जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. You know, I'll try to sing it. I'm not a singer. Ready? देखा नहीं तुझे अरसों से, बात नहीं अब बरसों से, खोए हुए दिल चर्चों से है कहाँ. पहाड़ों में मेरा बसेरा है, गले में ये मफलर तेरा है, आके तू इसको आधा उड़ जा. I'm shivering because I'm not a singer, but I tried my best. Anyway, guys, this was the entire video for today for July birthday month. Woohoo! I finished the video. I'm so excited for my birthday. It's gonna be in 2-3 days already. Now, coming to giveaway, there are gonna be 2 winners as I told you. First winner is gonna get all these goodies that you can see in the screen right now. And second winner is gonna get all these goodies in the screen right now. Now, coming to rules, which are very, very important. There are 2 rules only. First rule is that you have to be a subscriber of my channel. So if you haven't subscribe right now and like this video. Share करना है कि नहीं वो आपकी मर्जी, आप चाहो तो share कर लो, अच्छा हो जाएगा मेरे लिए. And second rule, you need to comment down below with the hashtag giveaway with Shalini. You can comment anything, everything, जो आपकी मर्जी आप comment कर सकते हो. Comment करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और hashtag use करना है. Alright. On that note, this was the video for today. I really hope you enjoyed watching this giveaway. में participate करना मत भूलना. Description box में भी rules मैंने add कर दी हैं. Along with the date, जिसमें मैं giveaway के winners announce करूँगी. चलो अब मैं चलती हूँ. I'm gonna see you guys pretty soon with brand new content on this channel. Bye everyone. Take care. I love you.